Hello friends, welcome to Global Online University channel and please like and subscribe the channel before you watch the video. तो friends आज हम start करते हैं color and spectra. तो sir तो friends हम सभी ये जानते हैं अगर किसी भी चीज पर light पड़ती है तो तीन बातें होती हैं, या तो वो चीज सबके सब light absorb कर लेती है, या सबके सब reflect कर देती है, या कुछ absorb कर देती है और कुछ reflect कर देती है. Okay friends, तो अगर सबकी सब लाइट एब्सॉर्ब कर लेती है तो ब्लैक कलर आता है, मतलब सबके सब रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेती है, और सबकी सब अगर रिफ्लेक्ट कर देती है तो व्हाइट कलर होता है. तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली में ब्लैक और व्हाइट कलर कुछ नहीं होता. अगर फ्रेंड्स उसने ब्लैक ही एब्सॉर्ब कर लिया तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे, हमें कुछ दिखेगा नहीं. तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना कि व्हाइट और ब्लैक में से कोई कलर नहीं होता, ये केवल अपनी बाउंड्री की वजह से दिखाई देती है. अगर किसी ने ब्लैक शर्ट पहनी है तो फ्रेंड्स वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि और भी कलर्स अवेलेबल हैं जो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं होता, ये केवल अपनी बाउंड्री की वजह से दिखाई देते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कलर एंड स्पेक्ट्रा. तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा कलर थ्योरेटिकल पढ़ाना बहुत मुश्किल है. कलर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया जा सकता. मैं आपको पूरा कलर नहीं पढ़ा सकता, बट कलर की कौन सा कलर डार्क होगा, कौन सा कलर डार्क इंटेंस होगा, कौन सा कलर लो होगा, ये जरूर बताया जा सकता है थ्योरेटिकली. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कलर. तो कलर बताने के लिए एक मुनसन आर्टिस्टिक व्हील था, व्हील एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक व्हील ड्रॉ करा. तो उसमें क्या था, येल्लो, तो उसमें क्या था, विब ग्योर था. ओके फ्रेंड्स, इसने इंडिगो हटाकर वी वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस तरीके से इसने एक सर्कल में एक ये मुनसन व्हील ड्रॉ करा. तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी सब्सटेंस ने येलो कलर एब्सॉर्ब किया है, फ्रेंड्स येलो कलर अगर किसी भी सब्सटेंस ने येलो कलर एब्सॉर्ब किया है तो क्या क्या दिखाई देगा फ्रेंड्स, वॉयलेट कलर अपीयर होगा. ओके फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी ग्रीन कलर एब्सॉर्ब किया तो रेड एमिट करेगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये विबग्योर होता है, इसमें इंडिगो नहीं होता फ्रेंड्स. तो वी वॉयलेट, इस वाले व्हील में वी वॉयलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. मतलब यहां से जाते हुए ये रेड एंड होता है फ्रेंड्स, रेड एंड होता है और ये वॉयलेट एंड होता है. ओके फ्रेंड्स, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पर लैम्डा बढ़ेगा और तो एनर्जी ऑब्वियसली बात है कम होगी. तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पूरा होता है, यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं कलर. अब कलर दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो हमें ये पता होना चाहिए कि विच कलर कौन सा कलर है, और दूसरा इंटेंसिटी. तो ये जो कलर है कि कौन सा कलर है ये डिपेंड करता है एनर्जी गैप, जो डेल्टा होता है ना, कि जितना ज्यादा डेल्टा गैप हो जाएगा उतना. बट ये एक्सपेरिमेंटली बताया जा सकता, बट थ्योरेटिकली नहीं बताया जा सकता. ओके फ्रेंड्स, बट हम कलर की इंटेंसिटी बता सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता रहा था फ्रेंड्स. तो कलर की इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी सिलेक्शन रूल को. तो जो भी कॉम्प्लेक्स जितने ज्यादा सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा या सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा तो उतना ही कलर इंटेंस होगा. ओके फ्रेंड्स, तो जितना ज्यादा ट्रांजिशन, तो आपको पता है फ्रेंड्स डीडी ट्रांजिशन होते हैं, एलएमसीटी होता है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं. तो जितना कोई भी कॉम्प्लेक्स जितने ज्यादा ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा वो उतना ही इंटेंस कलर होगा. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है सिलेक्शन रूल पर. तो सिलेक्शन रूल फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं, दो टाइप के सिलेक्शन रूल होते हैं हमारे पास फ्रेंड्स. एक होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल और दूसरा होता है स्पिन सिलेक्शन रूल. ओके फ्रेंड्स, तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल हम समझते हैं कि लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में क्या होता है, डेल्टा एल होता है. तो डेल्टा एल की वैल्यू होती है जीरो. डेल्टा एल की वैल्यू अगर जीरो है तो फॉरबिडन होगा. फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा. फॉरबिडन का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपके 100 ट्रांजिशन में 90 ट्रांजिशन अगर अलाउड हैं तो उसमें 5 या 10 ही फॉरबिडन होंगे. इसका मतलब वो हो सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है एक टाइप से. ओके फ्रेंड्स, तो डेल्टा एल की वैल्यू अगर जीरो है तो फॉरबिडन होगा इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके फ्रेंड्स, मैं आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन में वो फॉरबिडन हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, बट अगर यही बात अगर हम एमओटी में बात कर रहे हैं, अगर मतलब बाई कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब N2O2 के लिए, तो ये अलाउड हो जाता है फ्रेंड्स. ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लैपोर्टे अगर डेल्टा एल की वैल्यू जीरो है. ओके फ्रेंड्स, तो डेल्टा एल की वैल्यू जीरो है तो फॉरबिडन होगा, और डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो अलाउड होगा. प्लस माइनस वन का मतलब हो गया कि जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है ना, या तो वो जीराड से अनजीराड में हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि
डी से पी में हो जाए या पी से डी में हो जाए, क्योंकि हमें पता है पी अनजीराड होता है और डी जीराड होता है. ओके फ्रेंड्स, तो या तो जीराड से अनजीराड में हो जाए, ओके फ्रेंड्स, या अनजीराड से जीराड में हो जाए, तो ये अलाउड हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, अगर जी से जी में हो रहा है, अगर डी से डी में हो रहा है, तो डी डी ट्रांजिशन होगा, वो फॉरबिडन हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, ये बड़े ध्यान से समझना है आपको. पहला सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. ओके फ्रेंड्स, देखो कोऑर्डिनेशन की बात हो गया. अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ रिलैक्सेशन हो जाता है. रिलैक्सेशन फॉर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी हो जाता है. तो रिलैक्सेशन क्या होता है, व्हेन डी गेट मिक्स्ड विद पी, जब डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से मिक्स हो जाता है, तो यहां पर आ जाती है पीडी मिक्सिंग. ओके फ्रेंड्स, पीडी मिक्सिंग होने से वो पार्शियली लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा, यानी एलपीए पार्शियली लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर टेट्राहेड्रल के कलर की इंटेंसिटी डीडी, मतलब टेट्राहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो डीडी ट्रांजिशन होगा उसके कलर की इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल की डीडी ट्रांजिशन. ओके फ्रेंड्स, जो ऑक्टाहेड्रल के डीडी ट्रांजिशन की जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो लेस देन होगी एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल. तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पीडी मिक्सिंग. जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या हो जाती है, पीडी मिक्सिंग हो जाती है. तो पीडी मिक्सिंग होने से क्या होगा फ्रेंड्स, पार्शियली लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा. पार्शियली लेपोर्टे अलाउड होने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटेंसिटी इंक्रीज इनहेंस हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि पीडी मिक्सिंग होती क्यों है. पीडी मिक्सिंग इसलिए होती है फ्रेंड्स, इन टेट्राहेड्रल में लिगेंड इन बिटवीन दी एक्सेस होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सेस होते हैं. तो ना तो प्योरली ऑक्टाहेड्रल हुए, ना प्योरली टेट्राहेड्रल हुए. तो जब पीडी मिक्सिंग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ना तो प्योरली जीराड हुए, ना ही अनजीराड हुए. ओके फ्रेंड्स, तो पीडी मिक्सिंग हो जाएगी. तो पीडी मिक्सिंग होने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके कलर की इंटेंसिटी इनहेंस हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, तो अब इन जनरल ये कंक्लूजन निकला कि इन जनरल ऑक्टाहेड्रल में जो डीडी ट्रांजिशन होता है वो कलर लेस होता है एज कंपेयर टू अगर टेट्राहेड्रल में का डीडी ट्रांजिशन है तो वो कलर्ड होगा. ओके फ्रेंड्स, ये इन जनरल वाली बात ध्यान रखनी है. ठीक है फ्रेंड्स, हमने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ लिया. अब जो दूसरी मेन बात होती है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, डिस्टॉर्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स अगर डिस्टॉर्ट होगा तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, पीडी मिक्सिंग हो जाएगी. तो पीडी मिक्सिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर पीडी मिक्सिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. तो इंटेंसिटी बढ़ने से वो क्या हो जाएगा, और कलर्ड आना, मतलब उसका डार्क कलर हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको तीन चार बातें ध्यान रखनी है कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में. और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसी कंपाउंड में लग रहा है तो उसमें क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, उसके कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, अब जो इंटेंसिटी को दूसरा रूल फॉलो करता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, स्पिन सिलेक्शन रूल. स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या होता है, आपका डेल्टा एस की वैल्यू जीरो होगी या वन और टू होगी. डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है तो अलाउड होगा, मतलब अगर स्पिन अलाउड है तो फ्रेंड्स क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल में डेल्टा एस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, उससे स्पिन अलाउड हो जाएगा फ्रेंड्स. अगर डेल्टा एस की वैल्यू वन या टू है तो फॉरबिडन हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, और मेन बात, स्पिन सिलेक्शन रूल में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता. ओके फ्रेंड्स, और दूसरा ये है कि स्पिन सिलेक्शन रूल अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसमें जो मल्टीप्लिसिटी होगी m शुड बी रिमेन सेम. अगर m सेम है तो इसका मतलब ओके बात है, हमारी स्पिन सिलेक्शन रूल भी फॉलो कर रहा है. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कलर एंड स्पेक्ट्रा का मेरी पहली वीडियो है. अगर आपको, और मैं फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा. ओके फ्रेंड्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इसके आगे मैं विद एग्जांपल मैं आपको एलएमसीटी पढ़ाऊंगा, चार्ज ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, एमएलसीटी पढ़ाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब ओके फ्रेंड्स और बिल्कुल करना. ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और इसके आगे का जो पार्ट है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके फ्रेंड्स.